बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। 11 अक्टूबर से 141 दिन बाद शनिदेव होने जा रहे हैं मार्गी, मतलब वक्री, मतलब उल्टी अवस्था में चल रहे थे, अब वो सीधे चलेंगे अपनी राशि मकर में ही। क्या होगा उसका आपकी राशि पर प्रभाव वो बताएंगे, उसके उपाय बताएंगे बारीकी से, और आपसे उम्मीद करेंगे आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे लिंक में प्रतीक भट्ट फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर सकते हैं। देखिए शनि देव महाराज, देखिए वक्रता वैसे तो हालांकि कुछ बड़ी चीज नहीं होती है, हाँ पैसे कमाने के लिए होती है कि जब आदमी डरा देता है, अरे आपके पे शनि देव वक्री हैं, बृहस्पति देव वक्री हैं, उनकी वक्र दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये उपाय कर लीजिए। आदमी डरता भी है, भ्रमित भी होता है। हालांकि इस पर मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा क्योंकि वीडियो कुछ और कह रहा है, लेकिन ज़रूर वक्रता की सीरीज बनाऊंगा। और अगर आपको अभी पढ़ना है तो नीचे ही लिंक पे मेरी वेबसाइट भी दी जाती है मेरे वीडियो पे, वहाँ पे वक्री ग्रहों के बारे में, रेट्रोग्रेड के बारे में, हालांकि इंग्लिश में लिखा है लेकिन बहुत डिटेल्ड मैंने लिखा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ वक्री शनि बहुत अच्छा होता है। एक सीनियर आईएएस जो कि विशेष सचिव पद पर आज तैनात हैं, एक बार मेरे पास जब कुंडली दिखाने आए तो मैंने कहा साहब आप तो आदेश देने वाले हैं, आदेश लेते नहीं है, कहते हैं मतलब नहीं समझा। मैंने कहा बहुत ही उच्च पद पे होंगे, वक्री शनि दसवें घर में है, कुछ अच्छी राशि नक्षत्र में था वो बताऊंगा फिर कभी। कहते हैं कैसे मेरी कुंडली जो कि आज के 55 साल पहले करीब बनी थी, उसमें तो लिखा था जातक क्लर्कल जॉब में होगा। मैंने कहा शनि क्लर्कल जॉब के लिए ही कहे जाते हैं, लेकिन जब वो वक्री हो जाते हैं ना तो आदेश लेने की जगह आदेश देने वाले बन जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो नौकर हैं सेवक हैं उनको शनि का दर्जा प्राप्त है, वो क्या करते हैं आदेश आपसे लेते हैं, लेकिन जब वक्री हो जाता है ना तो आदेश देने वाले बन जाते हैं। कभी डिटेल में जरूर बताऊंगा, बड़ा अच्छा ही टॉपिक है ये और मुझे बड़ा ही ज्योतिष को कुरेदने में मजा आता है, फिर आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे। अब बात भाई शनिदेव 141 दिन बाद 23 मई को वक्री हुए थे, 11 अक्टूबर को सीधे होने जा रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं जिसे ज्योतिष में कहते हैं, उसका प्रभाव शुभ रहेगा। हालांकि चीजें बेहतर रहेंगी, जिसका ढैया और साढ़े साथी चल रहा है उनको लाभ मिलेगा, खास तौर से कार्य क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट देखे जाएंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, स्टेबिलिटी से लोग आगे बढ़ेंगे। मेष राशि पे आए उसके पहले देखिए शनि के मार्गी होने से मेष वृष कन्या तुला मकर और मीन को खासा लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि बाकियों का नुकसान होगा, मध्यम रहेगा। पूजा बताएंगे आपकी राशि के लिए, करिएगा चीजें ठीक रहेंगी। तो देखिए शनिदेव एक इंपॉर्टेंट ग्रह, वक्री मतलब कि जैसे कि बैक गियर डाल के गाड़ी चलाना टफ होता है लेकिन एहतियात ज्यादा रखनी पड़ती है, मार्गी मतलब फ्री होके हाईवे पे चला रहे हैं तो फ्री होके शनि चलेंगे, और वहां पे 18 अक्टूबर को बृहस्पति भी मार्गी होने जा रहे हैं उसी राशि में, 21 नवंबर को निकल जाएंगे वहां से, दोनों अलग अलग राहें जुदा। 22 अप्रैल को शनिदेव महाराज अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, परमानेंट मार्गी अवस्था में ही कुंभ में आ जाएंगे, फिर बृहस्पति देव का साथ, धर्म कर्म अधिपति एक साथ, बड़ा ही जबरदस्त राजयोग होता है, तो अपने आप में एक बड़ा राजयोग। तो चलिए अब समय ना जाया करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सब्सक्राइब की जो आजकल रफ्तार है ना भाई, वो थोड़ी कम हो गई है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज, ब्लैक बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको पता रहे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अल्टरनेट वीडियो लाया करूंगा, मैं ला रहा हूं आपके लिए, आपकी डिमांड की वजह से, आपके प्यार की वजह से। तो और शेयर ग्रुपों में, व्हाट्सएप के, फेसबुक पे जरूर करिए, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है नीचे लिंक पे क्लिक करिए। चलिए मेष राशि, दसवें भाव पे मार्गी होने जा रहे हैं, दसवें भाव से बारहवें पे दृष्टि, चौथे पे दृष्टि, सातवें पे दृष्टि, खर्चों पे कंट्रोल, रोगों पे लगाम, कैरियर में बेहतरी, अधिकारियों से लाभ, शत्रु पक्ष खत्म, कर्जे निपटेंगे, घर गाड़ी बंगला खरीद रहे हैं
उसमें लाभ हो रहा है। मैरिज में अनबन चली आ रही थी, खत्म हो रही है। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, शादी में लाभ मिल रहा है, सब अच्छा ही है। क्या महा उपाय कर सकते हैं? काले कुत्ते को तेल लगाकर हर शनिवार अगले 6 महीने तक रोटी खिलाइए, जरूर लाभ मिलेगा। बात वृषभ राशि की, भाग्य भाव पे है, पिता के भाव पे है, धर्म के भाव पे है, धार्मिकता के भाव पे है, विदेश यात्राओं के भाव पे है, सब पर लाभ मिल रहा है। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होने जा रहा है, अधिकारी आपकी सुन रहे हैं, सरकारी अफसर हैं तो बड़ा प्रमोशन मिलने जा रहा है, पदोन्नति होने जा रही है, मनचाही जगह पोस्टिंग मिलने जा रही है, पावरफुल पोजीशन मिलने जा रही है, सरकार से घर गाड़ी बंगला मिलने जा रहा है, विदेश यात्राओं के योग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आने के योग हैं, जॉब बदलने के योग हैं, जॉब में लाभ के योग हैं। धन के मामलों में यात्राओं से लाभ होगा, पैसा रुपया खूब आएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक से ज़्यादा आमदनी की कहीं ना कहीं योग बन रहा है, शत्रु पक्ष खत्म होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कोई पुरानी बीमारी से आपको निजात मिलेगी। रिश्तों के लिहाज से पिता का सम्मान करके चलिएगा, पत्नी का मान बढ़ा के रखिएगा, तभी लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं उपाय की। काली गाय को पूजन करके 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उनकी परिक्रमा करिएगा, सिर्फ एक शनिवार करना है, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 8वें भाव में, 8वें से 10वें पे देख रहे हैं, 7वें में देख रहे हैं और 5वें पे देख रहे हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस से दूर रहिएगा, अधिकारियों से बनाकर चलिएगा, नौकरी में फोकस कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। नौकरी परिवर्तन के लिए अच्छा समय है, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेने के बाद। धन के मामलों में अचानक धन प्राप्ति के योग, इंश्योरेंस बीमा से लाभ, उसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, ससुराल से ना बिगड़ने पाए, नहीं तो रिश्ते पत्नी से भी बिगड़ जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं, वुमेन वाइन से दूर रहिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में पैरों की चोट, पैरों का टूटने का डर बना रहेगा। क्या महा उपाय करें? काला सूरमा सुनसान स्थान में हाथ भरकर गड्ढा खोदकर अंदर दफना दे, गाड़ दे, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। 7वें भाव, मैरिज की प्रॉब्लम खत्म होगी, मैरिज में प्रॉब्लम खत्म होगी, जीवन साथी आपको समझेंगे, भाग्य पक्ष मजबूत होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, अधिकारी की अनुकंपा मिलेगी, नौकरी व्यवसाय में कोई लाभ की संभावनाएं हैं। बस गुस्से को, वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। घर गाड़ी बंगला बढ़ने जा रहा है, उसमें लाभ मिलने जा रहा है, नई प्रॉपर्टी नया इन्वेस्टमेंट लाभ लेके आएगा, संतान पक्ष अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में भारी सफलता के योग। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, प्रातः काल मीठा दूध उनकी वृक्ष में चढ़ाना है, जड़ में, वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है, तथा तेल का दीपक पश्चिम की ओर बत्ती कर लगाए और ओम शम शनिश्चाय नमः इस मंत्र का 11 बार या 12 बार पाठ कर लें। बात अब सिंह राशि वालों की। 6वें भाव में रोग शत्रु कर्जा खत्म होने जा रहा है, नौकरी में स्थायित्व आने जा रहा है, लेकिन कोई कोर्ट केस हो सकता है, पत्नी परेशान या पति परेशान कर सकते हैं, रिश्ते परेशान कर सकते हैं, ससुराल से तनाव हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट पे फोकस ध्यान नहीं दिया तो। उसी के साथ साथ पराक्रम में कमी, भाई बहनों से छोटी मोटी दिक्कत, स्पाइंडोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला अगले 6 महीने तक अंगुली में धारण करें, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। भाई आपके खास तौर से 5वें भाव में संतान सुख की प्राप्ति,
शेयर मार्केट से लाभ, लेकिन सट्टा में पैसे, कमोडिटी में पैसे मत उलझाइएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उच्च शिक्षा में लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के किसी ओहदेदार व्यक्ति को ही लाभ पहुंचाएगा आपको, उसी के साथ साथ विवाह में लाभ, प्रेमी संबंधों में लाभ, स्टेबिलिटी स्थायित्व आएगा, धन के लाभ, सरकार से सरकारी गाड़ी या बंगला मिलने में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, आय बढ़ने जा रही है, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। खास तौर से शनि यंत्र अगर घर में रख लें या धारण कर लें लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। चौथे भाव में घर गाड़ी बंगले का लाभ, उच्च शिक्षा में लाभ, माता पिता से प्रेम मिलेगा, पैतृक संपत्ति में लाभ, भाई बहनों से लगाव बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा नेम फेम बढ़ेगी, पैसा रुपया नौकरी में लाभ होगा, शत्रु खत्म होंगे, कर्ज खत्म होंगे, कोई पुरानी बीमारी से लाभ मिलेगा। गुस्से को और जल्दबाजी में काम ना करें, स्पाइन का ख्याल रखें। क्या उपाय कर सकते हैं? 9 कीले काले नए कपड़े में बांधकर संध्या के समय शुद्ध जल वाली नदी में अपने ऊपर से उतार कर पूर्व की ओर मुंह करके बहा दें, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। भाई पराक्रम बढ़ रहा है, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ रही हैं, ऑफिस में कलीग्स से लाभ मिलेगा, कलीग्स लाभ देंगे, नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा। खास तौर से आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा ख्याल रखना है, अलगाव की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर पेट का, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है। माता पिता से अनबन, भाई बहनों से छोटी मोटी अनबन हो सकती है, उसके लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके दूसरे भाव में वाणी पे कंट्रोल। कोई भी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा समय है, लेकिन कागजी काम चाहे ऑफिस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे खरीदारी में भी हो, अच्छे से पढ़ के लिख के ही साइन करिएगा, नहीं तो छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी पुलिस के अननेसेसरीली कहीं ना कहीं चक्कर लग सकते हैं। ये 6 महीने का राशिफल है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नौकरी में हालांकि लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रभाव बेहतर होगा, घर गाड़ी बंगले में लाभ मिलेगा, आने वाला समय बेहतर होगा, उसी के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इलेक्शन लड़ने का मूड बना रहे हैं तो उसमें लाभ मिलने वाला है, वैसे भी कई राज्यों के विधानसभा पास आ रहे हैं। क्या उपाय करें भाई? 800 ग्राम तिल, 800 ग्राम सरसों का तेल शनिवार के दिन दान कर दीजिएगा। मकर राशि वालों, लग्न में कॉन्फिडेंस में मिक्स रिजल्ट, कभी बहुत अप कभी डाउन, कभी माता पिता से झगड़े कभी अच्छे संबंध, कभी नौकरी में बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं अगले 6 महीने में, कभी सडन प्रमोशन, इस तरह की स्थितियां बनेगी। कोई भी डिसीजन लीजिएगा नौकरी व्यापार में कुछ नया करने का, सोच समझ कर, स्थितियां अच्छी रहेगी, जीवन बेहतर रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, कैरियर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार आने के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर से अगर ऐसा हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाइएगा, डाइवोर्स को टालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अब कैरियर में लाभ, कैरियर में प्रमोशन के संकेत, सरकार से लाभ, क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रत्येक चौपाई पर एक परिक्रमा करें, शनिदेव की लाभ मिले। क्या करें बता दिया। अब कुंभ राशि वालों, आपके 12वें भाव में खर्चों पर बहुत कंट्रोल, डिसीजन संभाल कर, बंधक योग बन रहा है किसी, वो बंधक योग का मतलब जेल ही नहीं होता है, बीमारी भी बांध सकती है आपको, कोई और समस्या भी बांध सकती है, उस पर फोकस रखिएगा। खर्चों पे कंट्रोल, विदेशों में चोरी होने की संभावनाएं, विदेश यात्राओं में नुकसान, विदेशी कंपनियों से नुकसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान हो सकता है, अधिकारियों से कम बनेगी, शत्रु पक्ष हावी रहेगा, कर्ज बढ़ सकते हैं, नौकरी में फोकस में कमी आ सकती है, कैसे दूर करें ये सब मत करिए भाई।
वोमेन वाइन से दूर रहना है, परिवार में फोकस रखना है, तभी लाइफ बेहतर होगी, जीवन बेहतर होगा। उसी के साथ साथ वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाइएगा। भाग्य मजबूत रहे, माता पिता की सेवा करते रहिएगा। क्या उपाय करें? कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान कर दीजिए। शनिवार के दिन संध्या काल में 4 से 6 के बीच ऐसा करिएगा। अब मीन राशि वालों, 11वें भाव में गोचर, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जीवन बेहतर होने जा रहा है, समाज से लाभ मिलेगा, आय बढ़ने जा रही है, महत्वाकांक्षा पूरी होने जा रही है, तरक्की के योग हैं, पावर प्रतिष्ठा नौकरी में बढ़ने जा रही है। उसी के साथ साथ मन फोकस्ड रहेगा, टारगेट को अचीव करने वाला रहेगा, टारगेट अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेम प्रसंग से लाभ मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। उसी के साथ साथ जीवन में कुछ बड़ा प्रमोशन, कोई बड़ा कहीं ना कहीं माइलस्टोन हासिल हो सकता है, जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा, लाइफ आगे बढ़ेगी, मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष अच्छा करेगी, पैसे रुपये में कोई बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है। क्या उपाय करें? शनिवार के दिन मंदिर में जाइए, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां की सफाई कर दीजिएगा, लाभ मिलेगा। किसी भी एक शनिवार को कर दीजिएगा, वही पर्याप्त रहेगा। अब आपसे उम्मीद, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पर टाइप करेंगे। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।